क्रैक इस मूवी के अपडेट को लेकर के मैं पिछले 2 महीने से एक टांग पे खड़ा होकर वेट कर रहा था, लेकिन इस मूवी को लेकर कोई अपडेट निकल के नहीं आ रहा था। भाई रवि तेजा की जो परफॉर्मेंस थी क्रैक मूवी के अंदर वो अलग लेवल की थी। जो एक्शन सीन आपको देखने को मिलने वाला है ना इस मूवी के अंदर वो आपकी सीटें फाड़ देंगे। साथ के अंदर इस मूवी के अंदर काफी सारे ऐसे डेडली सीन भी हैं जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। फाइनली क्रैक मूवी के हिंदी डब वर्जन को लेकर के फाइनल अपडेट निकल के सामने आ गया है। इसकी जो हिंदी डबिंग है वो कंप्लीट हो गई। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्रैक मूवी की जो हिंदी डबिंग राइट्स है वो जी सिनेमा वालों के पास में है और जी सिनेमा वालों ने इसकी जो हिंदी डबिंग है वो कंप्लीट कर दी है। ये मूवी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म में फिर यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलने वाली। ये जो मूवी आपको देखने को मिलने वाली जी सिनेमा पर देखने को मिलने वाली है। हालांकि जो रिलीज डेट है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है क्योंकि इसका जो सेंसर सर्टिफिकेशन है वो 2 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है। मतलब कि सेंसर की तरफ से क्रैक मूवी को क्लैरिटी मिल चुकी है और इस मूवी की जो रन टाइम है वो 1 घंटा 43 मिनट होने वाली है। मतलब कि ओरिजिनल मूवी से काफी कम रन टाइम कर दिया है क्योंकि जो मेनली जो गाने हैं वो इस मूवी के अंदर से कट कर दिए हैं। जैसे कि आपको पता है कि बॉलीवुड के अंदर हिंदी के अंदर गानों को ढंग से डब नहीं किया जाता, तो इसी वजह से इस मूवी के जो मेनली गाने वो कट कर दिए हैं। स्पेशली कई सीन ऐसे भी हैं जो कि ऑडियंस को ध्यान में रखने के बाद में इस मूवी में से कट कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने क्रैक मूवी का ओरिजिनल वर्जन देखा तो आप लोगों को याद होगा कि क्रैक मूवी के अंदर एक सीन था जहां पे जो ग्रूलर एरिया थे वहां पे गधे का खून पिया जाता था, उस सीन को कट कर दिया क्योंकि मूवी जो है वो टीवी पे रिलीज होने वाली है। बच्चे बूढ़े अंकल आंटी सब इस मूवी को देखने वाले हैं तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से वो जो सीन था वो काफी ज्यादा ब्रूटल सीन था तो उस सीन को इस मूवी से कट कर दिया। साथ में एक और सीन था जिसके अंदर उंगली काट दी जाती तो उस सीन को भी इस मूवी से कट कर दिया है। तो इस तरीके से क्रैक मूवी के 2-4 ब्रूटल सीन 2-4 अच्छे वाले गाने वो सबके सब कट कर दिए गए जिसकी वजह से इस मूवी का जो टोटल रन टाइम है वो सिर्फ 1 घंटा 43 मिनट का ही रह गया है। देखो एक प्रिडिक्शन तो ये भी लगाया जा रहा है कि इस मूवी की हिंदी डबिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, सेंसर सर्टिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, तो इस मूवी के जो हिंदी प्रोमोज हैं वो थोड़े टाइम के बाद में ही आपको जी सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। बट फिर भी इस मूवी की हिंदी रिलीज को लेकर के जैसे भी कोई नया अपडेट आएगा तो 100% डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा। अब आप क्रैक मूवी के हिंदी डब वर्जन को लेकर के कितना ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मार देना। ऐसे ही मूवी अपडेट और मूवी रिव्यूज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड बी गुड पीस।